बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 और उसके पीछे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के अंदर रोज किसको कैसे किसी को कहते हैं और कॉलम्स किसको कहते हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली है, सबसे पहले मैट्रिक्स की टाइप है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो वो मैट्रिक्स कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, ये मैं एक मैट्रिक्स ली 2, 3, 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स, इसमें जरा चेक करें, इसमें देखिए सिर्फ रोज कितनी है। रो हॉरिजॉन्टल लाइन हो कैसे, लास्ट में हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने नंबर होंगे वो रोज कहलाएंगे, इनको कहेंगे रोज। और जो वर्टिकल लाइन में नंबर होते थे इस तरह वर्टिकल लाइन में, उसको कहते थे कॉलम। एक दफा रिपीट करवा रहा हूं आपको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर होते थे उनको कहते थे रोज, और जो वर्टिकल लाइन में नंबर होते थे उनको कहते थे कॉलम। इस तरह अगर आप इसको देखें जरा, इसमें कितनी रोज है, सिर्फ इसमें एक ही रो है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। एक ही ऐसी जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इस तरह इसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम जैसे इसके भी नाम से ही जाहिर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने ये ले ली ब्रैकेट लगाई के बाद 2, 3, 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिख ली आपके सामने, इसमें जरा देखिए रोज 1, 2, 3 रोज है, लेकिन कॉलम कितने इसके अंदर, कॉलम सिर्फ एक ही है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे आपकी तीसरी थर्ड टाइप जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर number of rows और number of columns एक दूसरे के बराबर ना हो वो हमारे पास कहलाएगी rectangular matrix। कैसे, जैसे कल हमने एक order of a matrix पढ़ा था, ये उसी से related है। 3, 5, 7, 5, 2, 1 और ये दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 5, 7। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लो 3, 5, इसको नाम दे दिया A का। ये एग्जांपल ले लिया हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, देखिए अगर इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें तो दूसरे इक्वल नहीं आएंगे। ये देखिए ये R1, R2, R3 और कॉलम काउंट करें जरा C1, C2, रोज कितनी है इसमें 1, 2, 3 बाय और कॉलम्स 1, 2, इसका ऑर्डर क्या बना आपके पास 3/2, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो हमारे पास कहलाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह अगर आप आगे देखें तो आगे आपके पास नेक्स्ट टाइप आती है स्क्वेयर मैट्रिक्स की। स्क्वेयर मैट्रिक्स अब ये रेक्टेंगुलर के बरक्स है, रेक्टेंगुलर के उल्ट होगी, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल होंगे वो हमारे पास कहलाएगी स्क्वेयर मैट्रिक्स। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं हम, बी एक मैट्रिक्स लिया मैंने 5, 7, 2, 1, ये आपके पास है। इसके अब हम ऑर्डर चेक करते हैं इसका, R1 ये R2 यानी कि रो 1 और रो 2 और कॉलम जरा देखिए इसके C1 C2, कॉलम्स भी दो रोज भी दो, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होएगा 2/2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, रो
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इससे आगे चलते हैं, आगे आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, आज चलो हम ट्राइपो मैट्रिक्स कंप्लीट कर देंगे, आगे आपके है नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, इसके दो नाम है, इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कोई चक्कर नहीं है कि हमने कितने नंबर ऑफ रोज चेक करनी है, नंबर ऑफ कॉलम चेक नहीं करने, जो अंदर एंट्रीज होंगी वो हमारे पास तमाम जीरो होंगी, तो हमारे पास वो कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं, इसको सी का नाम दिया और एक एग्जांपल लेंगे, जीरो 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 जीरो, इसमें जरा आप चेक करें, इसमें जितनी भी नंबर एंट्रीज है तमाम इस मैट्रिक्स के अंदर, सब की एंट्रीज क्या है, जीरो है, इसका मतलब हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, नल या जीरो मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब होता है, उसकी रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, कैसे, ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, एग्जांपल जरा गौर से देखना, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 5 7 3 2 8 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया गया ए का, अब मैं इसकी जो रोज होंगी उसको कॉलम बना दूंगा और जो कॉलम होंगे उनको क्या कर दूंगा, रोज बना दूंगा, इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अब पहले इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2 3, यानी कि इसका पहले ऑर्डर है 2 by 3, दो रोज है 3 कॉलम है, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज लूंगा इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, चेक करना, इसका जो 5 7 3 ये इसकी रोज थी, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, अब दूसरा 2 8 1 है, ये भी रोज, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया 2 8 1। अब इसका ऑर्डर चेक करें सर, अभी इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 3, 3 रोज बननी इसमें, 1 2 कॉलम 2 बननी, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आप देखते हो पहले रोज 3 रोज है बाय 2, पहले था 2 by 3, यानी 2 रोज 3 कॉलम, अब 3 रोज 2 कॉलम 3 by 2, इसका ऑर्डर बन गया। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इसकी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स अगर हम उसके जो एंट्रीज होंगी तमाम उनकी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो हमारे पास बन जाती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स इसके एग्जांपल क्या करते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स ली -5 2 3 और ये 2, अब इसके अंदर साइन, जो इसके अंदर साइन चेंज कर दूंगा जितने मैट्रिक्स होंगे, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी। ये माइनस सी ले लिया, यानी कि सबके साथ मैंने साइन चेंज कर दिया, इसका माइनस लगाने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये -5 है तो +5 हो जाएगा, ये प्लस का है तो -2 बन जाएगा, ये भी -3 और ये +2 है तो -2, ये आपके पास बन गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बन गई थी आपके पास, ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स साइन चेंज करने से। इससे आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिस तरह नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वही मैट्रिक्स हमारे पास वापसी आ जाए, जो हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगा अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, यानी कि उसके रोज को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रोज बना दें, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स वापसी आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी चेक करते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल इसकी चेक करूँ आपके सामने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए है, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने कोई भी, और ये 1 2 3 के बाद है 2 - 1 और ये 4, उसके बाद बुक वाले एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3 4 और ये 0, हाँ जी 3 4 0, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है मैंने। अब हम इसको जरा देखें, ये आपके सामने इसके R1 R2 R3 तीन रोज है, इसमें C1 C2 C3 तीन कॉलम है। अब मैं इसको जरा इसके ट्रांसपोज लेता हूँ,
ट्रांसपोज मैं डिनोट करता हूँ ए टी से, यानी कि ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में लेगा इसकी जो रोज होंगी उसको कॉलम बना देता हूँ, 1 2 3, देखिए सर इसकी ये रो थी मैंने इसको कॉलम बना दिया, अब नेक्स्ट रो है इसकी इसको भी मैं कॉलम बना देता हूँ, 2 -1 और ये 4, इस तरह नेक्स्ट 3 4 0 इसको मैं कॉलम बना दिया, 3 4 और ये 0। अब जरा इसको जरा चेक कीजिएगा, आपके सामने वही मैट्रिक्स वापसी आ गई है, मैंने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया लेकिन वापसी हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल हम एक नेक्स्ट टाइप है आपकी डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स हाँ जी, डायगनल मैट्रिक्स क्या होगी, द मैट्रिक्स विच हैव डायगनल एंट्रीज एट लीस्ट वन डायगनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। अब डायगनल एंट्रीज कौन से होंगे इसके मैं आपको जरा कहूं तो जो तिरछी लाइन में इसके एलिमेंट्स होंगे ना, मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगी फिर तिरछी लाइन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कहते हैं डायगनल एलिमेंट। कैसे, एक आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा गया 0 1 2 3, अब इसमें अगर मैं कहूँ डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं या डायगनल एंट्रीज कौन सी हैं इसकी, तो ये वाले इसकी डायगनल एंट्रीज हैं, ये जो तिरछी लाइन में खड़ी होती हैं डायगनल एंट्रीज कहलाती हैं, कौन सी, डायगनल एंट्रीज। अब हमें जो डायगनल मैट्रिक्स है इसकी कंडीशन ये है आपके पास कि इसकी जो डायगनल एंट्रीज है एक डायगनल एंट्रीज कम से कम नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो तमाम जीरो होनी चाहिए, तब आपके पास वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, डायगनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसके एग्जांपल चेक करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, ही मैंने 5 0 0 3 4 0 और यहां भी 0 और उसके बाद 0 0 और ये 5। अभी आप सामने मैंने मैट्रिक्स लिखी, अब इस पर जरा इसके देखें डायगनल एलिमेंट्स को जरा देखें, डायगनल एंट्री जितनी भी है वो सारी नॉन जीरो है, ये सारी नॉन जीरो हो जाए लेकिन कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए, तब हमारे पास वो जाके डायगनल एलिमेंट्रीज बनती है, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है ये सारी आपके पास क्या है, जीरो है, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है जी, डायगनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। इस तरह आपके पास नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये भी डायगनल एलिमेंट से ही रिलेटेड है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डायगनल एंट्रीज इस इन स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगनल एंट्रीज का काम होगा, जो डायगनल एंट्रीज होंगे आपके पास वो सारी सेम होनी चाहिए और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो सारी जीरो बने, तो आपके पास वो मैट्रिक्स कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स जी। दोबारा सुने, ऐसी जो डायगनल एंट्रीज तमाम वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट, जैसे डायगनल एंट्रीज जितनी है 1 1 1 2 2 2 और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है वो सारी जीरो हो, तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसके एक एग्जांपल 2 0 0 0 2 और उसके बाद ये भी 0 और ये 2। अब इसमें देखें जरा ये डायगनल एंट्रीज, यहां पे हमने डायगनल एंट्रीज चेक कर दी, इसमें जो तमाम डायगनल एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या है, सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, और ये दूसरी बात इसमें हम चेक करने, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीन रो है, तीन ही कॉलम है इसमें, R1 R2 R3 R1 R2 C1 C2 C3 है, इसमें तीन रो है, तीन कॉलम है, ये भी आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और तमाम डायगनल एंट्रीज आपके पास क्या है, सेम है, ये आपके पास बन जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट वन है जी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जरा इसके ऊपर गौर करना है आपने, ऐसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगी लेकिन इसमें क्या होगा, इसके जो तमाम डायगनल एलिमेंट्स होंगे या तमाम डायगनल एंट्रीज होंगी वो आपके पास वन होंगी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसके एक एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको एक दफा डेफिनेशन रिपीट कर दूं, द मैट्रिक्स व्हिच हैव ऑल डायगनल एंट्रीज आर वन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं इसको जरा लिखता हूं आपके सामने एग्जांपल, मैं नाम देता हूं इसको वी का 1 0 0 0 1 और ये भी 0 और ये 1। इधर आपके पास लाल जरूरी है, ये कंडीशन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एलिमेंट से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको करते हैं कि
आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी, आई डी ई एम लोगो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स वन हो तो बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस तरह नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए ना अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।